गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए तो फिर से एनसीईआरटी को कंटिन्यू करते हैं। और एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में 8.1 ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसको फिर से आप लोग जो है घर पे रिवाइज कर लीजिएगा। और देखिए एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज नंबर 8.2, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि मान ज्ञात कीजिए, बस इतना ही निकालना, मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न के मान निकाले। और क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है बोर्ड पर देख रहे हैं क्या है, साइन 60। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इंटू गुना साइन 60 गुना कॉस 30 और साइन 30 गुना कॉस 60। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा हल। देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको जो है मान याद होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मान याद होना चाहिए। मान याद है ना आप लोगों को, कमेंट कीजिए मान याद है। चलिए बताइए साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का क्या होता है, 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 का क्या होता है, √3/2। इसी तरह जल्दी से बताइए कॉस 30, कॉस 30 का क्या होता है, वेरी गुड वेरी गुड, इसका भी होता है कॉस 30 का कितना कितना होता है, √3/2 प्लस में क्या हो गया साइन 30। अभी हम बताएं साइन 0 0 होता है और साइन 30 1/2 होता है। चलिए तो कॉस 60 का बताइए जल्दी से, कमेंट मारिए कॉस 60, कॉस 60 का कमेंट मारिए। अरे पागल, साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 का उल्टा कॉस 60 होता है, इसका क्या हो जाएगा 1/2। देखिए इसके साइन और कॉस के बीच में कोई चिन्ह नहीं था, मतलब गुना, साइन और कॉस के बीच में कोई चिन्ह नहीं था, इसका मतलब गुना। अब देखिए √3/√3 कितना होता है, √3/√3 इक्वल टू कितना होता है, 3/3 से गुना, रूट को रूट से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, कितना का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक। और ये अंडर रूट है तो ये स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि कितना हो जाएगा 3, √3/√3 इक्वल टू 3, √2/√2 इक्वल टू 2। अगर इस तरह से रूट सेम अंक वाला को अगर गुना करते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है। √3/√3 कितना हो जाएगा 3/2, में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। चलिए इसको मिटाइए। अब बताइए 4 का एलसीएम कितना होता है, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का हर जो है समान है इसलिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 में 4 से गुना भाग देंगे कितना बार में, एक बार में, 1 से 3 में गुना करेंगे 3 और प्लस में 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, ये कितना हो गया 2 1 3 1 4, 4/4 और इसको जब काटेंगे 4 से 4 कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो इसका आंसर कितना हो गया, आंसर 1। आया समझ में, बस मान बैठाना है और क्या करना है, गुना भाग कर देना है, मान बैठाइए और गुना भाग कीजिए। देखिए निम्न के मान निकालिए, साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है साइन 60 का उल्टा कॉस 30, कितना होगा √3/2, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और कॉस 60 का कितना होता है 1/2, √3/√3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 2/2 से गुना करेंगे तो 4, 1/1 से गुना करेंगे 1, 2/2 से गुना करेंगे 4, दोनों का एलसीएम 4 आ गया, 3 जोड़ 1 4/4 काट करके कितना आ जाएगा 1। चलिए आगे आगे क्वेश्चन सब बन जाएगा इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर बताइए इसमें का कौन सा पता है, 2 बन जाएगा आप लोगों से, इसी का 2 3 बताएं, चलिए अभी 3 बता रहे हैं, इसको अभी क्लीन करते हैं। देखिए ये पहला का 3, पहला के 3 में थोड़ा सा इसको घुमा दिया है इसलिए इसको अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए कोस 45 का मान आपको याद होना चाहिए, सेक 30 का मान याद होना चाहिए, कोसे 30 का मान याद होना चाहिए, बस इतना मान याद हो गया, बस कुछ नहीं है इसमें। हल में देखिए क्या करेंगे, कोस 45 का मान होता है 1/√2, सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3 और प्लस में क्या होगा, कोसेक 30 का मान क्या होता है 2,
चलिए देखिए अब क्या करते हैं, ये तो इसको ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, इसी तरह नीचे वाला का देखिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो वन, दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री एक बार में कटेगा, टू से वन में गुना करेंगे तो टू हो जाएगा, वन से रूट थ्री में भाग देंगे तो रूट थ्री बार लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा टू रूट थ्री, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसको जो है पलट देते हैं, ठीक, इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा वन बट्टा में रूट टू, गुना में क्या हो जाएगा ये नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, रूट थ्री बट्टा में क्या हो जाएगा टू जोड़ टू रूट थ्री, कोई दिक्कत। देखिए ये ऊपर वाला को जिससे का जैसे लिख दिए, और इसको जब पलटेंगे तो रूट थ्री ऊपर चला जाएगा और ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा। अब देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, रूट थ्री में वन से गुना होगा तो रूट थ्री, कोई दिक्कत, टू में रूट टू से गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा टू रूट टू, और प्लस में क्या हो जाएगा टू रूट से टू रूट थ्री में गुना होगा तो क्या हो जाएगा टू रूट तीन गुना का कितना होता है रूट छः। अब यहाँ तक आ गया, देखिए अब इसके बाद आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि हर में जो है, हर में कभी भी रूट में नहीं रहना चाहिए, हर में जो है रूट में नहीं रहना चाहिए, हर में कोई परिमेय संख्या रहना चाहिए, अपरिमेय संख्या नहीं रहना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, रूट इसका हटाने के लिए इसको क्या करेंगे परिमेयकरण, इसको क्या करेंगे अपरिमेयकरण, इसको क्या करेंगे परिमेयकरण। जब परिमेयकरण करेंगे इसको, तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होता है कि इसको गुना करना पड़ता है, ऊपर भी गुना करना पड़ता है और नीचे में, तो इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। देखिए इसमें टू रूट टू और यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ ऊपर में लिख लीजिए टू रूट टू, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या दे देंगे माइनस, उसके बाद क्या है टू रूट सिक्स, टू रूट सिक्स, ठीक है, और बटा, ये ऊपर में हो गया। अब ये सेम जो ऊपर में गुना किया है वही सेम को क्या करेंगे नीचे में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा टू रूट टू माइनस में टू रूट सिक्स। आ रहा है आप लोगों को समझ में, एकदम ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं परिमेयकरण, यहाँ पे लिख के थे मिटा दिए हैं, वीडियो में देख लीजिएगा यूट्यूब पर जब डलाएगी, तो इसको बोलते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए ऊपर नीचे सेम अंक से गुना करना पड़ता है, एक बार ऊपर वाला में उसी से और नीचे वाला में भी, मान लीजिए कि वन बटा में रूट टू है, या मान लीजिए वन बटा में रूट टू जोड़ वन, इसको अब इसका परिमेयकरण करना है, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, एक बार ऊपर में गुना करेंगे कितना से रूट टू, ये प्लस है तो माइनस वन, और फिर नीचे में भी क्या कर देंगे रूट टू, ये प्लस है तो माइनस वन, यानी कि ये दोनों आपस में सेम होना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं परिमेयकरण। अब देखिए आगे होता क्या है, अब रूट थ्री से जब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा टू रूट तीन गुना कितना हो जाएगा ये थ्री और ये टू, कितना हो जाएगा सिक्स, माइनस इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा टू रूट ये थ्री और ये सिक्स, तो अठारह हो जाएगा। अब नीचे एक बात समझिए आप लोग, बराबर देना नहीं भूलिएगा, नीचे एक बात समझिए आप लोग, ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, जल्दी बताइए, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी जल्दी कमेंट मारिए, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूला पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये गुना चिन्ह इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए एकदम ध्यान से समझिए, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, एकदम किया जा सकता है, ऊपर वाले से हम चाहेंगे तो क्या निकाल सकते हैं कॉमन, टू कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा रूट सिक्स माइनस रूट अठारह, यही ना होगा, नीचे वाला में देखिए, नीचे वाला में क्या होता है टू रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, तो दो दूना चार, चार दूना कितना हो जाएगा आठ, माइनस टू रूट सिक्स का स्क्वायर करेंगे कितना होगा दो दूना चार, और चार छक्के चौबीस, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं, एक बात बताइए इसमें से भी कुछ कॉमन निकल सकता है,
अच्छा इसमें से अभी बाद में कॉमन निकालते हैं, ये देखिए टू इंटू रूट सिक्स माइनस रूट अठारह बटा में देखिए 24 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 में से 8 जब जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 16, माइनस 16 ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये 2 से इसको ख़त्म कर देंगे, कितना बार में 8 बार में, तो कितना हो गया माइनस 8। अब इतना में एडजस्ट कर देते हैं, समझिए आप लोग इसमें से, तो मान लीजिए हम इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा रूट अठारह माइनस रूट सिक्स और सभी का बटा में कितना हो जाएगा माइनस 8, ये माइनस से ये माइनस खत्म, तो रूट अठारह को लिख सकते हैं तीन तिहाई 9 अदूना 18 माइनस रूट सिक्स बटा में 8। आया समझ में, समझ में आया कि नहीं, देखिए बताते हैं फिर से एक बार इसको समझा रहे हैं। निम्न के मान निकालना है, ये चलिए फिर से एक बार इसको समझिए, मान निकालना है तो कॉस 45 का मान लिख दिए कितना 1 बटा रूट टू और सेक 30 का मान क्या होता है 2 बटा में रूट थ्री और कॉस 30 का मान क्या होता है 2। अब देखिए ऊपर वाले को जैसे का तैसे छोड़ दिए, नीचे वाला का भिन्न का जोड़ कर दिया, उसके बाद इसको क्या किए पलट दिया है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं परिमेयकरण, परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होता है ऊपर नीचे सेम अंक से गुना करना होता है, ऊपर वाला में जिससे गुना करेंगे उसी से नीचे वाला में, लेकिन गुना किससे करेंगे, अगर ये प्लस में है तो माइनस वाले से गुना करेंगे, अगर ये माइनस में रहता तो प्लस वाले से गुना करते, तो क्या किए इसको इससे गुना कर दिए और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको बैठा दिए तो 8 माइनस 24 हो गया घटाएं माइनस 16 हो गया, 2 से काट दिया 8 बार में, इसमें से क्या किए माइनस पहले कॉमन निकाल लिए हैं, माइनस 1 कॉमन निकाले हैं तो प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस, माइनस से माइनस खत्म। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2 क्योंकि 3√2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 और रूट टू का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 9 × 18 इसलिए रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√2 ठीक है, तो 3√2 लिख दिया इसको। अब देखिए और ये माइनस 6 है, यही आपका क्या है आंसर। चलिए आप लोग क्या है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे इसी तरह कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर समझ नहीं आए तो कमेंट कीजिए, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। चलिए धन्यवाद।